हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं परक्विजेट्स के बारे में। हम लोगों ने अलाउंसेस को एंड कर दिया है। आज हम अपने इस लेक्चर से डिस्कस करेंगे परक्विजेट्स के बारे में और समझते हैं कि परक्विजेट्स होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। परक्विजेट्स क्या होता है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अधिक से अधिक बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जिसमें वह बेसिक सैलरी का पेमेंट तो करता ही करता है, बेसिक पे का पेमेंट करता ही करता है, लेकिन इसके बाद एलावेंसेस का भी पेमेंट करता है। हम लोगों ने देखा है डिफरेंट टाइप के एलावेंसेस होते हैं जो कि दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को फॉर सम पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए, ठीक। लेकिन इसके बाद कुछ फैसिलिटी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को कैश का पेमेंट न करके कुछ फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसे एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है और गार्डनर की, फिर उसके बाद माने तम सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा कर दी जाती है। एम्प्लॉयर के बच्चों या उसके हाउस होल्ड मेंबर को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परक्विजेट्स कहते हैं। परक्विजेट्स मीन्स फैसिलिटी। फैसिलिटी ए नॉर्मली इन काइंड में ही होता है। परक्विजेट्स नॉर्मली इन काइंड में भी हो सकता है, लेकिन मे बी इन कैश में भी हो सकता है। जैसे अगर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कार्स की, एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को कार दिया गया, वो हमारी एक फैसिलिटी हो गई। इसके द्वारा एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया गया, ये हमारी फैसिलिटी है, इसमें कैश नहीं है, ठीक। लेकिन क्या हुआ, मेडिकल एम्प्लॉय ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया और इस पर इसको एक्सपेंसेस, किसको? एम्प्लॉय को एक्सपेंसेस करने पड़े 10,000 रुपए, ओके, एक्सपेंसेस करने पड़े। अब इसका एम्प्लॉयर क्या कहता है? यहां एम्प्लॉय है, हम मान लेते ए एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जिस पर उसको एक्सपेंसेस करने पड़े 10,000 रुपीज का। अब उसके बाद हुआ क्या, एम्प्लॉय को ए 10,000 रुपये का पेमेंट करता है, जिसको हम कहते हैं रीइंबर्समेंट, ठीक है। मींस जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर किया, उसका एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट करता है, किसको? एम्प्लॉय को उतना रुपए कैसे देता है, फिर उसके बाद यही रुपए एम्प्लॉय अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च कर देता है। तो हमारा इन कैश एंड इन काइंड में भी हो सकता है, इन कैश में भी हो सकता है हमारा परक्विजेट्स, इन काइंड में भी हो सकता है, ठीक, इन काइंड। तो हम लोगों ने समझा कि परक्विजेट्स
एम्प्लॉयर के द्वारा अपने इम्प्लॉई को प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग सर्विस। और ये परक्यूजर्स हमारा इन काइंड और इन कैश में हो सकता है, हम लोगों ने ये समझा। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स की, कितने टाइप्स के परक्यूजर्स होते हैं, किसके बेसिस पर हम देखेंगे, टैक्सेबिलिटी के बेसिस पर, कि वो कौन कौन से परक्यूजर्स हैं जिनको इनकम टैक्स में टैक्सेबल किया जाता है, वो कौन से परक्यूजर्स हैं जिनको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ परक्यूजर्स। बताया गया टैक्सेबिलिटी के आधार पर, टैक्सेबिलिटी के आधार पर परक्यूजर्स को हम डिवाइड कर देते हैं थ्री पार्ट में। परक्यूजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट में, कौन कौन से परक्यूजर्स, परक्यूजर्स टैक्सेबल, टैक्सेबल इन द केस ऑफ, केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अच्छा, मतलब एक कैटेगरी हमारी ओ बनेगी परक्यूजर्स की, एक कैटेगरी हमारी ओ बनेगी जिसमें, जिसमें अगर एम्प्लॉय हमारा कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर उसको कोई परक्यूजर्स प्रोवाइड किया गया हो तो वो टैक्सेबल, उसकी उस परक्यूजर्स की वैल्यू टैक्सेबल होगी। अच्छा, एक कैटेगरी हमारी बनेगी परक्यूजर्स परक्यूजर्स एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय मींस इस कैटेगरी में ओ, इस कैटेगरी में ओ परक्यूजर्स आएंगे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाती है, माने उसको हम सैलरी हेड में कंसीडर नहीं करते हैं या टोटल इनकम में भी कंसीडर नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ओके, और एक कैटेगरी हमारी बनेगी परक्यूजर्स टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, परक्यूजर को टैक्सेबल ओनली इन द केस, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में इसको टैक्सेबल किया जाएगा। इस कैटेगरी में जो परक्यूजर्स आएंगी, इस कैटेगरी में जो भी परक्यूजर्स आएंगी वो टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी इनकम टैक्स से, और इस कैटेगरी में जो भी परक्यूजर्स आएंगी वो टैक्सेबल होंगी, बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो देखते हैं कौन कौन से परक्यूजर्स हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला बताया गया है रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, मींस कोई एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है
तो उसकी उस फैसिलिटी की जो वैल्यू आएगी और टैक्सेबल होगी, वो टैक्सेबल होगी, और इंप्लॉय हमारा गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू हमारी टैक्सेबल होती है। लेकिन लेकिन बताया गया अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फॉर ऑफिशियल रेसिडेंसी के लिए, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो एग्जम्प्ट होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, तो ऐसी प्रक्यूजर्स क्या होती है, ऐसी प्रक्यूजर्स की वैल्यू एग्जम्प्ट होती है। सेकंड, बताया गया कंसेशन इन रेंट। अच्छा ये क्या है कंसेशन इन रेंट का मतलब है ये हमारा एकोमोडेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मींस एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, एक एम्प्लॉयर होता है ये अपने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करता है, हाउस प्रोवाइड करता है रहने के लिए, एकोमोडेशन जिसे हम एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट किसमें आएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन में आएगा। लेकिन अब क्या किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कुछ अमाउंट रिकवर कर रहा है, मींस कुछ अमाउंट अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस प्रोवाइड करता है, लेकिन इस हाउस के बदले में कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय से चार्ज किया जाता है, मींस कंसेशन इन रेंट, यानी कुछ रिकवर कर लिया जाता है और कुछ का कंसेशन दे दिया जाता है। जैसे हाउस है हमारा 10,000 रुपये पर मंथ का, तो मान के चले 5,000 रुपये एम्प्लॉयर ने रिकवर कर लिया और 5,000 रुपये रिकवर नहीं किया, ठीक है, 5,000 रुपये रिकवर नहीं किया, अनरिकवर्ड है, तो ये क्या है, 5,000 रुपये कंसेशन दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को। तो जो ये 5,000 रुपये है कंसेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी ऑल एम्प्लॉय के केस में, कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो या बताया क्या, पेमेंट बाय दी एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, मींस इसका क्या अर्थ निकला, अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम शॉर्ट में आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं इस समय, और नेक्स्ट लेक्चर से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। पेमेंट बाय एम्प्लॉयर माने एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एक ऑब्लिगेशन किसका है, एम्प्लॉय का है। सपोज करिए एम्प्लॉय द्वारा इलेक्ट्रिसिटी लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय के नाम पर है, और तो एम्प्लॉय के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका पेमेंट कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉय की ये लाइबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। लेकिन एम्प्लॉय के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट ना करके एम्प्लॉयर के द्वारा कर दिया जा रहा है, मतलब करना चाहिए था एम्प्लॉय को, लेकिन कर कौन रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट। तो यही कहा गया एन ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन किसका है, एम्प्लॉई का है, और पेमेंट कौन कर रहा है, इंप्लॉयर। बताया गया पेमेंट बाय द इंप्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओब्लिगेशन ऑफ इंप्लॉय, इंप्लॉई का ओब्लिगेशन है और पेमेंट किया जा रहा है इंप्लॉयर का के द्वारा। तो ऐसी केस में जितना अमाउंट इंप्लॉयर के द्वारा पेमेंट किया जाएगा वो हमारी परक्यूजेस की वैल्यू मान ली जाएगी। ओके अब हमारा फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक सिक्योरिटी या स्वेप इक्विटी शेयर एलॉटेड या ट्रांसफर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अच्छा इसके कहने का मतलब स्पेसिफिक सिक्योरिटी हो, स्पेसिफिक सिक्योरिटी हो या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर एलोट किया जा रहा है, मीन्स न्यू शेयर एलोट किया जा रहा है या ओल्ड शेयर को ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली इंप्लॉयर के द्वारा किया जा रहा हो या इनडायरेक्टली रूप से किया जा रहा हो। तो कहा गया इस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड स्वेट इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होगी ना, जो वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, परक्यूजर्स की वैल्यू मानेंगे, परक्यूजर्स की वैल्यू मानेंगे। और उसके बाद अगर कुछ अमाउंट इंप्लॉयर द्वारा अपने इंप्लॉय से रिकवर किया जा रहा होगा तो उसको हम उस वैल्यू में से लेस कर देंगे और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो हमारी परक्यूजर्स की वैल्यू हो जाएगी। और इसको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बताया गया फिफ्थ पॉइंट बताया गया एन अमाउंट कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटेड इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 150,000 रुपीज। अच्छा अगर इंप्लॉयर इंप्लॉई का इंप्लॉयर इंप्लॉई के सुपर एनुएशन फंड में, सुपर एनुएशन फंड में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और वह अमाउंट जो कि इंप्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है अगर वह 150,000 रुपीज से अधिक होगा तो जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस अमाउंट 150,000 जो एक्सेस अमाउंट होगा वो हमारी क्या मान ली जाएगी पर क्यूजर्स की वैल्यू मान ली जाएगी। सपोज करिए एक हमारा इंप्लॉयर है, ठीक इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई के सुपर एनुएशन फंड जो कि अप्रूव्ड है, सुपर एनुएशन फंड में ए इंप्लॉई का सुपर एनुएशन फंड है और इंप्लॉयर के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है अगर 150,000 रुपीज तक 1 ईयर में कंट्रीब्यूशन इसमें किया जा रहा है तो ये क्या माना जाएगा, ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मींस इसकी कोई भी वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अब क्या हुआ
कि नहीं एम्प्लॉयर ने 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया, कितना कर दिया 2 लाख रुपए, तो कहा गया जो एक्सेस अमाउंट है ना 1,50,000 से, मीन्स 1,50,000 से कितना अमाउंट एक्सेस है ₹50,000, ये हमारी क्या मानी जाएगी परक्यूजेस की वैल्यू मानी जाएगी और इसको हम टैक्सेबल कर देंगे बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैंड में। और 6 पॉइंट बताया गया है एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट बेनिफिट और एमिनिटी अरे एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अपने कोई और फ्रिंग बेनिफिट या एमिनिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे। जैसे जैसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है लोन, एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है और ये लोन क्या होता है ये लोन इंटरेस्ट फ्री होता है, मींस इंटरेस्ट फ्री होता है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है एम्प्लॉय को, मींस एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय लोन लेता है लेकिन इस लोन पर जो इंटरेस्ट आता है उसका पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना पड़ता है। तो कहा गया ये जो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है इसकी जो वैल्यू है वो क्या मान ली जाएगी, वो टैक्सेबल वैल्यू मान ली जाएगी इंटरेस्ट की अमाउंट, मतलब इतने रुपए की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, लोन की फैसिलिटी नहीं ए इंटरेस्ट की फैसिलिटी, मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा। तो देखिए पर क्विजेस में साफ साफ फंडा हमारा ये है कि इन जनरली एम्प्लॉयर को जो लॉस होगा एम्प्लॉय को उतना प्रॉफिट होगा, अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को और फैसिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब परक्यूजर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अच्छा अब इस कैटेगरी में ऑल एम्प्लॉय, इस कैटेगरी में वो परक्यूजर्स आएंगे जो कि एग्जेम्प्ट होंगे ऑल एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। पहला टेलीफोन, टेलीफोन अगर एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को टेलीफोन की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसके रेसिडेंसी पर, इसके जहां एम्प्लॉय रहता है वहां एम्प्लॉयर के द्वारा टेलीफोन लगा दिया जाता है उसके घर पर, तो उसकी जो कॉस्ट आती है टेलीफोन की वो क्या हो जाएगी वो एग्जेम्प्ट होगी, उसकी हम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, माने उसकी वैल्यू को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। सेकेंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी आती है इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब बताया गया है प्रिविलेज, प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट, टिकट यानी एक किसके केस में है ये रेलवे और एयरलाइन,
एयरलाइंस केस में है। ठीक, अगर रेलवे या एयरलाइंस अपने अपने इंप्लॉई को क्या करता है, फ्री में पास देता है कि आप क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या प्रिविलेज टिकट, या उनको फ्री में टिकट प्रोवाइड कर देता है फ्री में या एट कंसेशनल रेट पर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो एग्जेप्ट कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रेलवे एंड एयरलाइंस के केस में है, ये सिर्फ रेलवे एंड एयरलाइंस के केस में है। अगर अदर देन रेलवे एंड एयरलाइंस रहेंगे तो उसकी, अगर अदर देन रेलवे एंड एयरलाइंस एम्प्लॉयर रहेंगे उस केस में, अगर प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू होगी अदर देन रेलवे एंड एयरलाइंस। लेकिन रेलवे और एयरलाइंस केस में फ्री होगा, एग्जम्प्ट होगा। पांचवा हमारा है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस, इसकी। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में तो इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। पांचवा, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, अगर रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी उसकी जो वैल्यू आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। और सिक्स हमारा है रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी ड्यूरिंग वर्किंग आवर में अगर प्रोवाइड की गई है तो वो भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। कन्वेयंसिंग फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉई को उसके रेसिडेंसी से कहां वर्किंग पैलेस पर जाने के लिए अगर कोई कन्वीनियंसी प्रोवाइड की गई है तो उसकी कन्वेयंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो उसकी वैल्यू जो आएगी उसको भी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। आठवां, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नॉर्मली होता क्या है कि इन सभी केस में हमारा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इसके लिए कुछ हमको कंडीशन देखने पड़ेंगे। मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ कंडीशन बताए गए हैं, अगर वो कंडीशन इम्प्लॉय के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं, सेटिस्फाई किए जाते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी हमारी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, अन्यथा टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं हम इस केस में, परक्यूजर्स टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, बताया क्या इसमें, एन ओब्लिगेशन ओब्लिगेशन
ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड पेमेंट, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर आल्सो। अच्छा, अने ओब्लिगेशन किसका है? एम्प्लॉयर का है, और पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर के द्वारा ही किया जा रहा है। बट बेनिफिट रिसीव्ड या अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया गया है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया है, और इसका कनेक्शन किसके नाम से है? एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो कि एम्प्लॉयी के नेम से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एम्प्लॉयर के नाम से आती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा भी किया जा रहा है। मीन्स एम्प्लॉयर के नाम से है और एम्प्लॉयर के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी फैसिलिटी कौन ले रहा है? एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है। कहा गया ए एम्प्लॉय, अगर ए एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू को हम टैक्सेबल कर देंगे। अगर ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होगा तो उसकी वैल्यू को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। हमने देखा है पहले केस में पेमेंट बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, मीन अगर एम्प्लॉय का ओब्लिगेशन होगा, एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो उस केस में चला जाएगा। एम्प्लॉय का ओब्लिगेशन होगा पेमेंट करने का, लेकिन पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? एम्प्लॉयर के द्वारा, उस केस में चला जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर का ओब्लिगेशन भी है और एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट भी किया जा रहा है, और वह एम्प्लॉय कौन सा है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अगर यह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो इस केस में चला आएगा, लेकिन अगर यह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो मीन्स ओब्लिगेशन एम्प्लॉयर का है, पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है, और ओब्लिगेशन किसका है, मतलब और एम्प्लॉय कौन है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। तो कहा गया इस केस में परक्विजेस की वैल्यू एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। ठीक, अगर ओब्लिगेशन, अगर दोनों ओब्लिगेशन प्लस पेमेंट दोनों एम्प्लॉयर ने किया है और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल हो जाएगी वैल्यू, और ओब्लिगेशन एम्प्लॉयर का ओब्लिगेशन पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन हम समझते हैं, क्या समझते हैं हम, कुछ क्या समझते हैं, कि आखिर में हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहेंगे किसको? हमारे पास एक प्रश्न आता है ना कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम किसे कहेंगे? भाई हमें वो कंडीशन बताइए कि अगर वो कंडीशन में एम्प्लॉय सेटिस्फाई करता है उसको, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। कहा गया हाँ कंडीशन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम उसे कहेंगे जो एम्प्लॉय जो इन तीनों में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। मीन्स तीन कंडीशन बताए गए हैं, तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ जाएगा। बताया गया डायरेक्टर एम्प्लॉय मीन्स कोई एम्प्लॉय है, एक कंपनी है, अच्छा कंपनी है और इस कंपनी में मिस्टर एक्स क्या है? एक एम्प्लॉय है, अच्छा,
और साथ ही साथ एक कंपनी में डायरेक्टर भी है, यानी मिस्टर एक्स एज ए इंप्लॉय भी वर्क करते हैं और एज ए डायरेक्टर भी वर्क करते हैं। ये क्या है, इंप्लॉय भी है और साथ ही साथ क्या है, प्लस डायरेक्टर भी है। तो कहा गया अगर एक इंप्लॉय कंपनी में डायरेक्टर भी है एंड इंप्लॉय भी है तो उस केस में एक इंप्लॉय स्पेसिफाइड इंप्लॉय के कैटेगरी में आएंगे, ये स्पेसिफाइड इंप्लॉय के कैटेगरी में आएंगे। डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बताया गया, डायरेक्टर में भी फुल टाइम या पार्ट टाइम, मतलब एक डायरेक्टर फुल टाइम भी हो सकते हैं या पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, मे बी फुल टाइम एज वेल एज पार्ट टाइम हो सकते हैं। और बताया गया ए डायरेक्टर होल ईयर, मतलब एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर डायरेक्टर रहे हो या कुछ महीने प्रीवियस ईयर में कुछ महीने डायरेक्टर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स होल टाइम मतलब पूरे प्रीवियस ईयर में वो डायरेक्टर रहे हो या प्रीवियस ईयर में कुछ मंथ डायरेक्टर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सपोज करिए एक डायरेक्टर है और वह इंप्लॉय नहीं है, तो क्या वह स्पेसिफाइड इंप्लॉय कहे जाएंगे? कहा गया नहीं, डायरेक्टर एज वेल एज इंप्लॉय होना जरूरी है, तभी वो स्पेसिफाइड इंप्लॉय के कैटेगरी में आएंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड, डायरेक्टर इंप्लॉय या इंप्लॉय इंप्लॉई हु हैज दी सबसेंटियर सबसेंटियर इंटरेस्ट इन द कंपनी। अच्छा कहा गया एक इंप्लॉई है जो कंपनी में क्या रखता हो, मान लेते हैं मिस्टर एक्स जो है वो इंप्लॉय है, इस कंपनी में इंप्लॉय है, एज ए इंप्लॉय वर्क करते हैं और इसी कंपनी में वो क्या रखते हैं, सबसेंटियल इंटरेस्ट सबसेंटियल इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक, तो कहा गया ए इंप्लॉय मिस्टर ए स्पेसिफाइड इंप्लॉय कहे जाएंगे,
मिस्टर एक्स इस कंपनी में इंप्लॉय भी है एंड साथ ही साथ वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी इस कंपनी में रखते हैं। तो कहा गया कि मिस्टर एक्स एक स्पेसिफाइड इंप्लॉय कह जाएंगे, लेकिन अब हमको आप ये बताइए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते किसको हैं? तो कहा गया 20% और मोर बेनिफिशियरी राइट। अच्छा मीन्स 20% या उससे अधिक वह बेनिफिशियरी राइट अगर इस कंपनी में रखते हैं तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय कहे जाएंगे। अच्छा अब 20% या मोर ए बेनिफिशियरी राइट को हम समझ लेते हैं। बेनिफिशियरी राइट क्या होता है? एक क्या है एक इंप्लॉय है मतलब मिस्टर एक्स, ओके एक कंपनी है, कंपनी हम मान लेते हैं ए लिमिटेड, ओके इस कंपनी के ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं। क्या है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं। ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं लेकिन मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई इनको क्या बना देते हैं? इनको बेनिफिशियरी ओनर बना देते हैं। मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है कंपनी ए लिमिटेड के, लेकिन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बेनिफिशियरी ओनर बना देते हैं कि इस शेयर से जो भी डिविडेंड या जो भी इनकम रिसीव्ड होगी वो किसको रिसीव्ड होगी? वो मिस्टर वाई को रिसीव्ड होगी। वोटिंग करने का राइट किसको होगा? मिस्टर वाई को होगा। तो मिस्टर वाई क्या हो गए? हमारे बेनिफिशियरी ओनर हो गए। अब कहा गया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका होना चाहिए? बेनिफिशियरी ओनर का। बताया गया अगर मिस्टर वाई अगर एक कंपनी ए लिमिटेड में अगर इंप्लॉई है, कंपनी ए लिमिटेड में इंप्लॉई है मिस्टर वाई, ठीक है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई क्या कहे जाएंगे? स्पेसिफाइड इंप्लॉय मीन्स कंपनी ए के ए इंप्लॉय भी है और बेनिफिशियरी ओनर भी है। लेकिन अब इनको हम हटा देते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स जो कि सिर्फ वह सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर है, उसके बेनिफिशियरी ओनर नहीं है। बेनिफिशियरी ओनर कौन है? मिस्टर वाई। तो इस केस में देखा जाएगा मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड ओनर है किसके? ए लिमिटेड के, और इंप्लॉय भी ए लिमिटेड के हैं। तो क्या मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड इंप्लॉय कहे जाएंगे? कहा गया नहीं, बेनिफिशियरी ओनर होना जरूरी है स्पेसिफाइड इंप्लॉय के लिए। बेनिफिशियरी ओनर होना आवश्यक है। बेनिफिशियरी ओनर का मतलब 20% या उससे अधिक वोटिंग राइट वो अपने पास रखते हो। तो कहा गया नहीं, इनके पास वोटिंग डिविडेंड पाने का राइट्स नहीं है, वोटिंग करने का राइट्स नहीं है। तो अगर ए रजिस्टर्ड ओनर भी है कि एम्प्लॉय भी है तो भी ए स्पेसिफाइड इंप्लॉय नहीं होंगे। ठीक, अब थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा ये है इंप्लॉई ड्रॉइंग
₹50,000। अच्छा, मतलब इंप्लॉई ड्रॉ करता है, सैलरी ड्रॉ करता है कितना, 50,000 या इससे अधिक, 50,000 या इससे अधिक। इंप्लॉई ड्रॉइंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ ₹50,000। अरे कोई इंप्लॉई है वो कंपनी से या अपने इंप्लॉयर से 50,000 रुपए से अधिक, इन एक्सेस यानी 50,000 रुपए से अधिक, 50,000 रुपए से अधिक अगर सैलरी ड्रॉ करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो उस कंपनी का स्पेसिफाइड इंप्लॉई कहा जाएगा। अच्छा, तो इस सैलरी में इंक्लूड क्या किया जाएगा, सैलरी की मीनिंग तो आप बताइए, कहा गया सैलरी मींस, यहां पर सैलरी की मीनिंग बताया गया, सैलरी मींस बेसिक सैलरी, प्लस डीए, प्लस बोनस, प्लस कमीशन। एक कमीशन हमारा मंथली पेमेंट किया जा रहा हो या इन परसेंटेज के टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस अदर मॉनेटरी पेमेंट, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सैलरी की मीनिंग में इनपुट किए जाएंगे। सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अदर मॉनेटरी पेमेंट प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस हो गया। और यह सैलरी एक एम्प्लॉयर से मिल सकती है या मोर देन वन एम्प्लॉयर से, मींस ये सैलरी में हमारे एक एम्प्लॉयर से भी इसका रिसीव शामिल होगा, अगर दो इंप्लॉयर से रिसीव किया जा रहा होगा तो दो इंप्लॉयर का भी हम लेंगे, किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ये सैलरी हमारी प्रीवियस ईयर की रहेगी, वन या मोर इंप्लॉयर कोई भी हो सकता है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया अलाउंसेस क्या होता है, उसकी मीनिंग हम लोगों ने देखा, और टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, हम टाइप्स ऑफ अलाउंसेस को टैक्सेबिलिटी के आधार पर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया, टैक्सेबल परक्यूजर्स, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉई, परक्यूजर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉई, परक्यूजर्स टैक्सेबल ओनली इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। और चूंकि एक क्या है, अभी हम लोगों ने बस परक्यूजर्स देखा है कौन कौन से परक्यूजर्स होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू, परक्यूजर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।